द चैनल एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे सेल और उसके बेसिक जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, वो कौन होते हैं उनके बेसिक पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अभी हम जान लेते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अलग अलग जो पार्ट्स हैं सेल के वो कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो एंड तक समझ जाएंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो ये पॉइंट्स, और वीडियो दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो देखते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ सेल के बारे में। एक सेल का डायग्राम है यहाँ पर, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल यहाँ पे लेबल्ड हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम देखना चाहें तो सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी सभी को। सेल मेम्ब्रेन एक लाइन होती है जो कि एक पर्टिकुलर सेल को एक तरीके से इनक्लोज कर लेती है, सो डैट उस सेल का जो मटेरियल है, जो सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो वहां से बाहर ना जाएं। और जिसको एंट्री और एग्जिट देना है वो कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के मेनली तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हर सेल में पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन नाम बता रहा है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक आउटर कोटिंग। तो सेल को आउटर कोट करने के लिए जो मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल है, कुछ चीजों की एंट्री देगी और कुछ की एंट्री नहीं देगी। सेल में आने देगी कुछ और कुछ चीजें ही बाहर जाने देगी, तो उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि वो हमारी तरह चल नहीं सकते हैं, वो अपने आप को फेवरेबल कंडीशंस में खुद नहीं लेके जा सकते हैं, तो उन्हें खुद सर्वाइव करना होता है, चाहे कितनी भी धूप हो कितनी भी बारिश हो। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उन्हें कैसे मिलती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे कि सेल वॉल कहा जाता है, जो कि उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं, और एनिमल प्लांट दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन जरूर होती है। इसके अलावा दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर, अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, एक येलो कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा था जो पूरे में स्प्रेड था सेल के अंदर, वो था साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट, मतलब लिक्विड भी नहीं होता पूरी तरीके से और सॉलिड भी नहीं होता है, तो उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्योंकि जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज किसी सेल में चल रही है, हमारी बॉडी में डेड सेल्स भी होती हैं और लिविंग सेल्स भी होती हैं, तो जो लिविंग सेल्स है उनमें लाइफ चल रही है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। क्योंकि सारे जितने भी ऐसे पार्ट्स हैं सेल के जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब किसके अंदर रहेंगे? साइटोप्लाज्म के। और उन पार्ट्स को ऑर्गेनिलीज कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स फैले हुए हैं जिनका अपना अलग अलग फंक्शन है, जिसकी वजह से सेल चलती है। उन पार्ट्स को ऑर्गेनिलीज कहा जाता है। उनमें से कुछ ऑर्गेनिलीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल का पावर हाउस होता है। जैसे पावर हाउस का मेन काम होता है कि वो बिजली देता है, सो डेट हमें एनर्जी मिल सके और हम काम कर सके। तो ऐसे ही सेल को काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे देखिए, जब तक सेल काम नहीं करेगी टिश्यूज काम नहीं कर पाएंगे, टिश्यूज काम नहीं करेंगे तो ऑर्गन नहीं तो ऑर्गेनिज्म नहीं। तो मतलब कि किसी इंसान को या जानवर को, किसी को भी काम करने के लिए उसकी सेल का काम करना जरूरी है। और सेल कब काम करेगी? जब उसे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिल जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। ये क्या काम करता है? सेल को एनर्जी देता है न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी देता है ना, ऐसी सेल को एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स लगभग खाली स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर,
जो कि प्लांट सेल में काफी बड़ी होती हैं और एनिमल सेल में छोटी होती हैं। लेकिन क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में खाना स्टोर करने का काम भी करती हैं, सो डैट अगर कभी किसी सेल को खाना नहीं मिला तो वो उस स्टोर फूड को ही यूज कर ले। तो वैक्यूल्स क्या होती हैं? जनरली ऐसी स्ट्रक्चर्स जो खाली हैं, उनका ऐसा कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती हैं, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं। अब बात कर लेते कुछ और ऑर्गेनेल्स की। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो जनरली सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनका मेन काम होता है कि ये कलर प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनके पास कलर पिगमेंट होते हैं इन ऑर्गेनेल्स में। ये तीन तरीके के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कलरलेस हैं, जिनका अपना कोई वैसा कलर नहीं होता और इनमें स्टार्च होता है। तो जो भी ऐसा प्लांट आइटम है जो कि कलरलेस है और उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इट मींस कि उसकी सेल में प्लास्टिड है। और कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए पोटैटो। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट मेनली येलो, ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं, और जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर आपको अपने आसपास इस कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि काफी कॉमन है। हम सब बचपन से पढ़ते आते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कौन से प्लास्टिड का है? क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोफिल से होता क्या है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो सनलाइट अब्सॉर्ब करनी है वो सिर्फ क्लोरोफिल कर सकती है। तो ये तीन टाइप के प्लास्टिड थे जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं। फिर है नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं कि सेल में किसी ने कुछ बनाया और वो उसको सेल के दूसरे पार्ट तक पहुंचा देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे ट्रक वगैरह चलते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर कुछ पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे ही सेल में एक जगह से दूसरी जगह कुछ पहुंचाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपने स्ट्रक्चर में ध्यान दिया हो, जो डायग्राम दिखाया था मैंने, तो उसमें दिया हुआ था कि जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे डॉट से बने हुए थे। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन बनता है सेल के लिए। भाई सेल को प्रोटीन भी चाहिए ना, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो सेल को भी तो बिल्ड होना है। तो वो प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। कहाँ प्रेजेंट होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। फिर आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है? इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि कुछ भी सेल में अगर डैमेज हो गया या डेड हो गया, ये उसे खा लेता है। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। कई बार ये लाइफ लिविंग चीजों को भी सेल के अंदर खा लेता है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है किसी भी सेल का, अगर वो लिविंग है तो। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी सेल को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। जितना भी हमारा सेल का फंक्शन कंट्रोल होना है वो न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, तो इसीलिए ये सेंट्रली होता है ज्यादातर। प्लांट सेल में क्योंकि वैक्यूल्स बड़े होते हैं तो इसलिए वो थोड़ा साइड में हो जाता है, बट न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन कहा जाता है। तो अब बात कर लेते प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। तो जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, एक यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे। तो यूकैरियोटिक में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जो डीएनए है उसके साइड में एक मेम्ब्रेन है, जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बाकी ऑर्गेनेल्स भी ऐसी खुली हैं और जो डीएनए है वो भी खुला है। तो जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट कहा जाता है, और जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट कहा जाता है। प्रो का मतलब होता है सबसे पुराने। जो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए थे उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, जैसे कुछ बैक्टीरिया, तो उनको हम कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जैसे हम हो गए, एनिमल्स दूसरे हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है? यूकैरियोट है, क्योंकि इनके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डीएनए को कवर कर लेती है।
तो यहाँ पे एक बार सम अप कर लेते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन। सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट होती है, हार्ड होती है ताकि सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे सके। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल के अंदर होती है ताकि ये प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सके और ये कुछ चीजों की एंट्री एग्जिट भी कर सकती है। न्यूक्लियस जिसे मैंने अभी बताया, ये क्या होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होगा, राउंड कलर का होता है जनरली और ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होगा और इसका मेन काम क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है डीएनए है उसको एक जगह पे स्टोर और सेफ रखना। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें बाकी ऑर्गेनेल्स इजीली अपना काम कर सकती हैं और ये दोनों सेल में प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सामान पहुंचाने के लिए। फिर है राइबोसोम जिसका मेन काम है प्रोटीन बनाना और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। गॉल्गी बॉडीज ये वो बॉडीज होती हैं जिनका मेन काम होता है कि ये क्या करेंगी, हॉर्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगी सो डेट साइटोप्लाज्म में अलग अलग एक्टिविटीज इजिली हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल को क्या देता है ये एनर्जी देता है सो डेट सेल काम कर सके। फिर आते हैं वैक्यूल्स, बताया था अभी कि वैक्यूल्स क्या है, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स है जो जनरली फूड स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस देखिए, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है बट एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिफरेंस हमने पहले भी डिस्कस किया। वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफी बड़े हैं और एनिमल सेल में छोटे हैं, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ये मेन डिफरेंसेस वो हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमें बताते हैं कि उनके अगर फंक्शंस अलग अलग हैं तो उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। अब देखिए यहाँ पे टेबल के थ्रू एक बार सम अप कर दिया सो डेट आप इसको कॉपी में नोट करके याद कर सके एग्जाम्पल पर्पस के लिए, कि अगर हम प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंसेस दिखाते हैं तो प्लांट सेल जो होती हैं जनरली बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं कम भले हों, एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं काफी छोटे होते हैं। गॉल्गी बॉडीज जो हमने बात की थी इनमें गॉल्गी बॉडीज काफी सारी होती हैं प्लांट सेल में बट एनिमल सेल में एक जगह पर होती हैं और वो अपैरेटस की तरह फिक्स लगती हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस थे प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में। वीडियो बच्चे यहीं एंड होती है क्योंकि सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हुए हों, आप सबको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।